सालों बाद एक साथ माधुरी संजय कलंक के टीजर लॉन्च में यूं आए नजर। मल्टी स्टारर फिल्म कलंक का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक अरसे बाद बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म के टीजर लॉन्च में भी दोनों साथ दिखाई दिए। इवेंट की फोटो तेजी से वायरल हो रही है। लॉन्च के दौरान संजय और माधुरी साथ खड़े नजर आए। दोनों की ट्यूनिंग भी देखने को मिली। इवेंट में संजय ने सालों बाद माधुरी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। संजय ने इवेंट में माधुरी को मैम कहकर बुलाया। संजय दत्त की ये बात सुनकर माधुरी भी मुस्कुराती हुई नजर आई। बता दें, आखिरी बार 1997 में आई फिल्म महानता में दोनों साथ दिखे थे। दोनों ने साथ में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। उस दौरान दोनों का अफेयर भी खूब चर्चा में रहा। अब 22 साल बाद दोनों फिल्म कलंक से स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। फिल्म के टीजर में भी दोनों साथ नजर आए हैं। बता दें कि पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया जाता रहा है। अब लंबे वक्त बाद दोनों को साथ देखना काफी दिलचस्प है। फिल्म की बात करें तो कलंक 17 अप्रैल को रिलीज होगी। इसे करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला, हीरू यश जौहर और अपूर्व मेहता ने किया है। अभिषेक वर्मन ने फिल्म को डायरेक्ट किया है।